हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन, अर्जुन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम है गोभी के पराठे गर्मा गर्म। मार्केट में गोभी आने लगी हैं, आप भी ऐसे बना सकते हैं वीडियो वॉच करके। लेते हैं गोभी, छोटी सी गोभी है। गोभी को लेने के बाद में इसको साइड से पत्ते को काट लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में चाकू की सहायता से छोटे छोटे गोभी को टुकड़े कर लेंगे। जब टुकड़े हो जाएं, उसके बाद में इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से, धो लेंगे क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया लगे हैं वो सब वॉश हो जाएं। उसके बाद में लेते हैं कद्दूकस, कद्दूकस की सहायता से इसको अच्छी तरह से घिस लेंगे। आराम से घिसेंगे, नहीं तो हाथ भी कट सकता है। आप देख सकते हैं गोभी लगभग घिस चुकी है। उसके बाद में इसमें करते हैं क्या, इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा नमक। नमक मिलाने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। रखने का ये उद्देश्य है कि पानी इसका निकल जाए सारा। उसके बाद लेते हैं आटा। आटा पहले से गुथा हुआ रखा था जो बच गया है रोटी सेकने के बाद में। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से माड़ेंगे। मारने के बाद में इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा जीरा, नमक मिलाएंगे थोड़ा सा। उसके बाद में इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन मिलाने के बाद में इसको अच्छी तरह से फिर गूँथ लेंगे कि पूरी तरह अजवाइन और जीरा नमक पूरे आटे में मिल जाए। उसके बाद थोड़ी देर के ढक के रख देंगे। उसके बाद पानी पूरी तरह से निकाल लेंगे गोभी का। देख सकते हैं लगभग पानी निकल चुका है, आराम से निचोड़ लेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। देख लीजिए पानी पूरी तरह गोभी का निकल गया है। उसके बाद में इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। चम्मच की सहायता से इसके अलग अलग कर लेंगे इसको। उसके बाद में इसमें कुछ मिलाते हैं मसाला इंग्रेडिएंट, जैसे हो गया नमक हो गया थोड़ा सा स्वादानुसार, उसके बाद हल्दी पाउडर हो गया आधा स्पून, उसके बाद में लाल मिर्च हो गया आधा स्पून। उसके बाद में इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा सब्जी मसाला। उसके बाद में मिलाते हैं धनिया पाउडर। उसके बाद में इसमें मिलाएंगे लास्ट इंग्रेडिएंट चाट मसाला। चटपटा बनाना है इसलिए चाट मसाला ज़रूरी मिलाएंगे। उसके बाद चम्मच की सहायता से इसको अच्छी तरह से गोभी को, घिसी हुई गोभी को, मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं मेरा डो ऐसे बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद में आटा लेते हैं। आटा जो गूँथ लिए थे पहले से, इसमें सब चीज़ सारे इंग्रेडिएंट मिला दिए थे, अजवाइन नमक। उसके बाद इसकी छोटी छोटी लोई कर लेंगे। लोई का उद्देश्य ये रहेगा कि इसको पराठा, इसमें गोभी का जो मसाला बना था पराठा का, इसको इसमें भरना है। चम्मच की सहायता से इस लोई में मसाले को भर लेंगे। भरने के बाद में इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का उद्देश्य ये रहेगा कि फटे ना पराठा। वो ध्यान देना कि नमक ज़रूर डाल देना पहले, नहीं तो पराठा बन नहीं पाएगा। उसके बाद लोई बन चुकी है। उसके बाद इसको आटे, सूखे आटे में डीप करेंगे। डीप करने के बाद में इसको हाथ की सहायता से इसको कर लेंगे। उसके बाद इसको चकले और बेलन की सहायता से इसको अच्छी तरह से बेलेंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे और गोल गोल राउंड बेलना है, वृत्त आकार का बेलना है। जब पराठा लगभग बिल जाए उसके बाद में इसको पलट लेंगे एक बार और। पलट लेने के बाद में इसको एक प्लेट में सारे पराठा सर्व कर लेंगे। उसके बाद में करते हैं तावा को गरम। गरम करने के बाद में इसको डाल देते हैं तावा पर। एक तरफ लगभग पराठा हो चुका है, उसके बाद में दूसरी तरफ होने के लिए पलट देंगे। उससे पहले इस पर तेल लगाएंगे। तेल अच्छी तरह से लगाएंगे, चम्मच की सहायता से लगाएंगे, ज़्यादा तेल नहीं लगाना। जब तेल लग जाए एक तरफ तो दूसरी तरफ पलट देंगे, दूसरी तरफ भी तेल लगाएंगे। इधर भी तेल लग चुका है, उसके बाद इसको फिर पलट देंगे। एक तरफ हो चुका है, इसको अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से दबाते रहेंगे, पराठा पकता जाएगा। उसके बाद में करना है क्या, इसे एक प्लेट में सर्व करना है। लगभग पराठा पक चुका है,
उसके बाद करते हैं एक प्लेट में से सर्व। उसके बाद में रखते हैं केचप। सारे पराठा बनके तैयार हो चुके हैं। साइड साइड में सैलेड रखेंगे और ऊपर से धनिया की कर देंगे गार्निशिंग। ऐसी वीडियो पाने के लिए अर्जुन किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में। जय हिंद, जय भारत।